नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। जनपद कुशीनगर के कसिया स्थित निरंकारी इंटर कॉलेज में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ हुआ। प्रदर्शनी में कॉलेज के इंटर, हाई स्कूल व जूनियर के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागी छात्रों द्वारा प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए उपकरणों का विद्यालय के आयोजन समिति ने अवलोकन कर विशेष प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के रूप में शील्ड देकर सम्मानित और पुरस्कृत किया। आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा नेता राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी राव रहे। विज्ञान प्रदर्शनी में इरम फातिमा ग्रुप से भूकंप अलार्म, ग्रह नक्षत्र और बाढ़ रक्षक उपकरण, अदिति चौरसिया ग्रुप से जीवों की इकाई, आकृति पटेल ने रोबोटिक बायो ग्रुप, प्रिया चौरसिया ने प्रदूषण से बचाव, नितिन शर्मा ने जादुई टोटी, शीतल शर्मा ने गो कोरोना सैनिटाइजर, धनंजय विश्वकर्मा ने विद्युत जेसीबी, मोनू वर्मा ने सोलर सिस्टम, तोहिद ने स्ट्रीट लाइटर, तनवीर आलम ने सेफ्टी हाउस, रिया श्रीवास्तव ने बात केनो ज्वालामुखी, अनामिका ने ड्रिप रंगे रिजेसन, सामिया तारे और सौर मंडल, फेज अंसारी ने केक अलार्म आदि छात्रों ने विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाकर प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए थे, जिसमें आयोजक समिति ने अवलोकन के बाद प्रतिभागी छात्रों में कक्षा 11वीं की छात्रा इरम फातिमा को प्रथम, कक्षा 9वीं की छात्रा तनवीर आलम को द्वितीय और कक्षा 10वीं की छात्रा आकृति पटेल को तृतीय स्थान मिला। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को विशिष्ट अतिथि समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव लाल बहादुर यादव ने शील्ड देकर सम्मानित किया। सपा नेता सहित शिक्षा कर्मचारी व सम्मानित लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अवधेश कुमार चौरसिया व संचालक विद्यालय के शिक्षक धीरेन्द्र त्रिपाठी ने किया। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के बच्चों ने जो अपने कला का जो एक प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है। छोटा सा ये कस्बा है और इस छोटे से कस्बे में भी इतना बेहतर साइंस प्रदर्शनी लगाया, अर्थक्वेक से जानकारी दिया, कुछ नई टेक्नोलॉजी इन सबों ने बनाया, कुछ मशीनें बनाई, कुछ बाढ़ में भी कैसे घर बचा रहे इसके लिए बच्चों ने प्रयास किया, अर्थक्वेक में कैसे घर को बचाया जाए इसका प्रयास किया। तो यहाँ बहुत ही कम संसाधन में भी बेहतर इन लोगों ने अपना विज्ञान का प्रदर्शन किया। यहाँ के मैं बच्चों को मैं बधाई देता हूँ, यहाँ की बेटियों को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने कम संसाधन के बाद भी बड़े शहरों और मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चों के जो अंदर स्किल पावर होता है उतना, उससे बेहतर स्किल पावर इन लोगों ने अपने दिखाने का काम यहाँ किया। यहाँ जो संत निरंकारी इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चों के द्वारा जो कला सिखाया गया है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और कितना? 100%। मैंने तो पहले ही कहा आपसे कि जो मेट्रोपॉलिटन शहरों से, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर है जैसे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के बच्चों, जो जिनके पास संसाधन है, सारी चीज़ हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, उसके बावजूद कंपटीशन में अगर हमारे इन बच्चों की तुलना की जाए, जो इन्होंने विज्ञान का प्रदर्शन किया है, जो अपने तकनीकी का प्रदर्शन उन्होंने किया है, जो इन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है, वह मेट्रोपॉलिटन शहरों के बच्चों से भी बेहतर है। होने के नाते आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी कारण भद्र यादव, प्रदेश सचिव, समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश। आज निरंकारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में छात्रों के कार्यक्रम में उपस्थित रहा। मैं सभी छात्रों से ये संदेश देना चाहते हैं कि जब जब समाजवादी सरकार आई है, छात्रों युवाओं के लिए रक्षा उदाहरण दिया है, विद्या कल्याण विद्याधन दिया है और आगे की शिक्षा के लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं मुहैया कराई है,
वर्तमान और शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ शिक्षक का नाम जुड़ जाता है। जब जब समाजवादी सरकार आई है, प्राथमिक से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा में समाजवादी सरकारों ने बड़ा योगदान किया है और विशेषकर जिस प्रांगण में बैठा हूँ, माइक दे रहा हूँ, ये विश्वहीन विद्यालय है। पूरे प्रदेश में 4.5 लाख विद्यालय शिक्षक रोजी पा के रोटी के मुहताज है और इस वर्तमान सरकार ने 5 साल में इन शिक्षकों के साथ शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया और शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया। इससे हमने निर्णय लिया है कि समाजवादी सरकार को लाएंगे और जो रोजी पा के रोटी के मुहताज है योग्य शिक्षक, इनको ये 1986 में काला कानून जो आया भी तो इनको उसको समाप्त करा के अस्थायी रूप से इन शिक्षकों को जीवन निर्वाह के लिए सम्मानजनक मानदेय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।